पीएम मोदी की अजय सेना को लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने वाले नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने इस पहल की पहली बार शुरुआत की थी। पीएम मोदी के बराबर चेहरे के चुनाव की बात आती थी तो नीतीश कुमार का नाम आगे रखा जाता रहा, लेकिन अचानक क्या हुआ कि दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद खड़गे का नाम प्रस्ताव में पहले नंबर पर आने लगा। जिस नीतीश कुमार को कभी अगुआ माना जा रहा था उन्हें विपक्षियों की पंगत में पीछे भी जगह नहीं मिली। सूत्रों की माने तो दिल्ली में इंडिया की जो बैठक हुई उसमें नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार का नाम प्रस्ताव से बाहर हो गया और इस गठबंधन में एक नई जंग छिड़ गई जिसने उत्तर और दक्षिण में लकीरों का विभाजन कर दिया। बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं को इंडिया ब्लॉक के संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित करना था। मीटिंग में ममता बनर्जी की तरफ से पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करने के बाद अगली बड़ी रणनीति नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका देने की थी। कुछ नेताओं का मानना था कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम इंडिया ब्लॉक के संयोजक पद के लिए प्रस्तावित किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने बैठक में हिंदी हिंदुस्तान विवाद को उठा दिया जिसके बाद अन्य लोगों ने प्रस्ताव पर चुप रहना ही बेहतर समझा। इस दौरान हुआ ये कि नीतीश ने न सिर्फ आरजेडी सांसद मनोज झा की खिंचाई की बल्कि बैठक में यह भी कहा कि हर किसी को हिंदुस्तान में हिंदी आनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार की भावनाओं के अचानक फूटने से इंडिया ब्लॉक के कई नेता हैरान रह गए जिसके बाद उनके नाम का प्रस्ताव भी धरा का धरा रह गया। साथ ही इस बैठक के बाद नीतीश कुमार को लेकर दक्षिण बेल्ट के नेताओं की भी भावनाएं बदल गईं। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में चुनाव आते आते नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या फिर सुशासन बाबू फिर से ठिकाना बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज़।